सेक्शनल एग्जाम अड्डा पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कम्पिटेटिव एग्जाम में, और यहाँ से सभी का बराबर वेटेज होता है इसका प्री लेवल में, और आपके ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। और इसके लिए रीजनिंग में कोई ज़्यादा खास या ज़्यादा अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बुक बताऊंगा जो काफ़ी अच्छी है। बुक है ये, ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाई RS अग्रवाल। इनका पब्लिकेशन है एस चंद। और ये एग्ज़ाम जिन जिन के लिए यूजफुल है, जैसे कि IBPS, CWE बैंक, PO क्लर्कियल स्पेशलिस्ट ऑफिसर, RRB ऑफिसर, SBI PO क्लर्क, NABARD एंड IDBI एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, SSC CGL टीयर वन एंड टीयर सेकेंड, SSC CHSL 10+2, SSC FCI ग्रेड थर्ड, SSC CPO, SI ASI, इनकम टैक्स, LIC, GIC, UIICO, यानी कि ये बहुत सारे UPSC, रेलवे ग्रेड डी, मैट, CMAT, स्नैप, BBA, BBM, NTSC, CLAT, यानी कि इस बुक को करने के बाद आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैं मानता हूँ। अब देखिए, इस बुक के अंदर आपको जब आप इस बुक को परचेस करेंगे तो आपको 10 दिन का टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज मिलेंगे 10 दिन के लिए आपकी, जिसकी वैलिडिटी होगी फ्री में। आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए यहाँ पर ये बुक कौन कौन से एग्जाम क्लियर करती है, SSC, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, RBI, डिफेंस, गेट एंड 70 एग्जामिनेशन। ये इस बुक के अंदर भी इसके सवाल दें, और टेस्ट बुक पर इन सब के लिए पेड वीडियोस हैं जहां से आप पूरा इनका कोर्स खरीद सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं हम, देखिए यहां पर ये है बुक, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच टू, यहां पर सब कुछ वही लिखा है जो बाहर लिखा था। चलिए अब आगे चलते हैं हम, यहां पर देखिए, यहां पर इस बुक का वर्जन है आपका रिप्रिंट 2020, यानी कि 2020 का ही वर्जन है, ठीक है। और ये इंग्लिश में है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, बट एक बुक में एक ही लैंग्वेज दी गई इसमें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बुक का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इस तरीके से करते कि हिंदी इंग्लिश दोनों में देते तो ये बुक ज़्यादा हैवी हो जाती और ज़्यादा, ठीक है। ये बुक दो पार्ट में बटी है, पार्ट फर्स्ट वर्बल रीजनिंग एंड पार्ट सेकेंड नॉन वर्बल रीजनिंग। पहले में सेक्शन वन की बात करते हैं, वर्बल रीजनिंग में सीरीज कंप्लीशन यानी कि सीरीज पूर्ण करना, दूसरा एनालॉजी, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा कोडिंग डिकोडिंग, पांचवा ब्लड रिलेशन, छठा पजल टेस्ट, सातवां सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वैन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सिक्वेंस टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सिक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, डाटा सफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी टेस्ट, असर्शन एंड रीजन और सिचुएशन, रिएक्शन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट। दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है फिर यहाँ से, पहला उसमें चैप्टर लॉजिक, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट अजम्पशन, चौथा स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, पांचवा आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पर इस फिर पार्ट टू स्टार्ट होता है, वो पार्ट फर्स्ट का सेकंड सेक्शन था, यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। नॉन वर्बल में आपके सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, स्पोर्टिंग आउट द एम्बेडेड फिगर, कंप्लीट ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, ये फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, रूल डिटेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइस, यहाँ पर यानी कि। और हाँ, इस बुक की ये अच्छी बात है कि इन्होंने हर जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं उतने टाइप इन्होंने बुक में कवर करें। बहरहाल रीजन में कुछ फिक्स होता नहीं है, पर इन्होंने जितने टाइप के अभी तक सवाल बने हैं या जितने टाइप के सवाल पॉसिबल उन्होंने डालने की कोशिश करी, फिर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि रीजन में हर बार नए सवाल बनते हैं। अब जैसे सी कंप्लीशन है तो यहाँ पर इन्होंने देखिए, यहाँ पर इन्होंने टाइप वन दिया है, टाइप वन के फिर सवाल स्टार्ट हैं, फिर उन्होंने आंसर है,
यानी वन ए के क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन वन बी के क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से इन्होंने। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बुक में वन सी यहाँ पर स्टार्ट होती है और वन सी में भी 46 क्वेश्चन है, और फिर यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया अच्छी तरीके से। फिर वन डी स्टार्ट होती है, वन डी में इन्होंने सवाल दिए हैं आपके 13, फिर वन ई में बहुत ज़्यादा सवाल दिए इन्होंने 65। यानी कि इस बुक को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और बुक करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये बुक इतनी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इन्होंने टाइप वाइज सवालों को बांटा है और उस तरीके से सवाल कराए हैं जिससे सारे टाइप क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ देखिए एडिशनल सवाल भी इन्होंने ऐड कर रखे हैं, जो कुछ अलग टाइप होता है उन्हें अलग रख दिया है। फिर आपका 2A आता है चैप्टर, यहाँ पर ये दूसरा चैप्टर है आपका एनोलॉजी सादृश्यता, यहाँ पर इन्होंने उस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। देखिए एनोलॉजी में ये कंट्री, ये कैपिटल क्या क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से करी हैं इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इन्हें चीज़ें करी हैं। बुक में सवाल में कोई एरर नहीं है, जो 8 चैप्टर मैंने इस बुक में करे हैं, जो मेरे करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से बुक में आप देखिए, इस बुक में कम से कम आपके 1100-1200 पेज हैं और इसे करने में पूरी ताकत लगानी पड़ेगी आपको, अगर आप इस बुक को करने की कोशिश करेंगे। पर बुक बहुत अच्छी है, इस बुक को करने के बाद गारंटी देता हूँ कि कोई और बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हम चलते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज फिगर, ये दूसरा सेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ इस बुक का मैं। दूसरा सेक्शन क्या है इस बुक का, दूसरा, ये भी काफ़ी ज़्यादा सवाल इस बुक में डाले गए हैं, इस बुक में बहुत ज़्यादा सवाल डाले गए हैं। देखिए यहाँ से सेक्शन 2 स्टार्ट होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग, इतना ही वर्बल थोड़ी ज़्यादा दी है, नॉन वर्बल कम करी गई है, ये रहा नॉन वर्बल रीजनिंग। और इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल दिए गए, यहाँ भी नॉन वर्बल में दिखा देता हूँ आपको, वन ए कितनी एक्सरसाइज दी गई है एक चैप्टर में आपको। और कोई देखिए बैंक पीओ, SBI PO, ये सारे बैंक में आए हुए क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा सवाल हैं यहाँ पर, देखिए 278 पहले में, 356, बहुत ज़्यादा सवाल डाले गए इस बुक में। इस बुक ये समझिए कि इस बुक को करने के बाद आपको कोई और बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बुक में बहुत ज़्यादा सवाल डाले गए हैं और ये बुक की काफ़ी अच्छी बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।